क्योंकि बेटा हम लास्ट क्लास में मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट का डिस्कस कर रहे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट? मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, याद है दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? कि बेटा लास्ट क्लास में हम देखे हैं कि इफ यू टेक ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, इफ यू टेक ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ठीक है, इसको आप ऑर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं बाय ए पॉइंट x कमा y, एंड इफ यू जॉइन फ्रॉम o टू p बाय ए रे, द लेंथ op इज कॉल्ड the modulus, and mod z का formula है root of x square plus y square, and ये जो real axis है, जो angle बनेगा standard convention में, that is called the argument. So argument of z is nothing but the angle between the positive real axis and the ray, ठीक है? And argument find करने के लिए हम देखे हैं कि दो स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में नेग्लेक्ट साइंस ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड थीटा सच दैट टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई बाय एक्स, फाइंड थीटा विच बिलोंग्स टू 0,90 degrees, such that tan theta is equal to modulus of y by x. And second step में आप क्या करिएगा? Based on the signs of y and x, आप quadrant identify कर सकते हैं. अगर complex number first quadrant में है तो जो theta या वही argument है. Second में आए तो pi minus theta is the argument. Third में आए तो minus theta is the argument. फोर्थ में आए तो माइनस पाई प्लस थीटा इज द आर्ग्यूमेंट. ओके बेटा, सबको एक बार थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आ रही है चीज? मैं पूछता हूँ, संपूर्णा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, गुड. सो ये हम लास्ट क्लास में किए हैं. And we have also seen that principal argument क्या होते हैं? What is principal argument? The argument which lies between minus pi comma plus pi. Minus pi से plus pi के बीच में जो argument है, that is called principal argument. And general argument क्या होते हैं? If theta is the argument, 2n pi प्लस थीटा, इस थीटा को जितना भी नंबर ऑफ 2 पाई से ऐड कर लीजिए, 2 पाई का मतलब कंप्लीट रोटेशन. सो ऑल दीज आर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. एंड लास्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, राइट? एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड पोलर फॉर्म एंड polar form and Euler form of complex numbers. अगर if z is equal to x plus i y, अगर इसका modulus को r से represent करते हैं, इसका argument को अगर theta से represent करते हैं, the polar form is nothing but r times cos theta plus i sin theta. And Euler form क्या होता है? R into e power i theta. So this is all you need to learn for your board syllabus. Basic syllabus में ये सारा concepts आपको पता होना चाहिए. So यहाँ तक कुछ doubt नहीं है तो हम आगे जाएंगे.
यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नाउ इज द टाइम। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम आगे जा रहे हैं। सो फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस एंड कन्वर्ट इनटू पोलार एंड ऑयलर फॉर्म्स। ठीक है, अभी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देता हूँ, यू हैव टू डू ऑल दिस। फर्स्ट, 1 + √3। सेकंड, -1 - √3। थर्ड इज 1 / 1 + i। सो ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप मॉडुलस निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंड वंस यू फाइंड दीज टू यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म। सो कैसे कर सकते हैं, देखिए। सो फर्स्ट मॉडुलस निकालना सबसे आसान है। ओके, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 1 square + √3 का होल स्क्वायर, दैट इज √4 विच इज इक्वल टू 2। किसी को डाउट है? सो 1 + √3 का मॉड जो है रूट ऑफ, आप लोग ट्राई कर लीजिए बेटा, तब तक सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग। सो ट्राई कर लीजिए। सो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना है, फर्स्ट थीटा फाइंड करना है। सो टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स √3/1। सो मॉडुलस ऑफ √3 √3 है। सो थीटा इज इक्वल टू 60 degrees, π/3 हो जाएगा, राइट? सो थीटा इज इक्वल टू π/3, सो मॉडुलस आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। So what is the polar form? R into cos π/3 plus I sine π/3. And what is the Euler form? 2 times e power I into theta, I π/3. So next, same process use karke hum next question karenge. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सप्तर्षि बेटा, सप्तर्षि सेकंड क्वेश्चन किया है। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए जब मॉडुलस निकालते हैं प्लस माइनस डजेंट मैटर, क्योंकि एनीवे आप स्क्वायर कर रहे हैं। सो -1 होल स्क्वायर प्लस
माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये भी आपको टू ही आएगा। आर्ग्यूमेंट में कहाँ डिफरेंस आएगा? देखिए अभी भी टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई इज माइनस रूट थ्री, एक्स इज माइनस वन। सो यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ही है, पाई बाई थ्री। बट दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। सो इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री, दैट इज माइनस टू पाई बाई थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वंस यू गॉट द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द पोलर फॉर्म? टू इंटू कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाई थ्री। एंड व्हाट इज द ऑयलर फॉर्म? टू इंटू ई पावर माइनस टू आई पाई बाई थ्री, राइट? माइनस आई इंटू टू पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, और आई इंटू माइनस टू पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। गुड, ई पावर माइनस टू आई पाई बाई थ्री। तो व्हाट्सएप चला कौन बोल रहे बेटा? उत्कर्ष बेटा, क्या चल रहा है? शांत रहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन बाई वन प्लस आई। सो दिस इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बाय समथिंग, सो टू कन्वर्ट आई बाई टू। सो फर्स्ट हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो देन विल ट्राई टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन प्लस आई, वन माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ऊपर वन माइनस आई होगा, नीचे वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू हो जाएगा, दैट्स नथिंग बट हाफ माइनस आई बाई। So what is modulus of z? Root of half ka whole square plus minus half ka whole square. So thoda sa aap ko feel aana chahiye. Plus minus is not very important when you find modulus. Anyway square ho rahe. So square root of 1 by 2 ho jayega, which is 1 by root 2. So modulus is 1 by root 2. And what is the argument? आर्ग्यूमेंट के लिए मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस हाफ बाय प्लस हाफ। मॉडुलस लिया सो माइनस डजंट मैटर, सो वन हो गया। सो टैन थीटा इक्वल टू वन, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पाई बाय फोर। बट दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, ध्यान दे दीजिए, इज द फर्स्ट स्टेप। सो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज दिस, कौन सा क्वाड्रेंट में है वो देखना है। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट इज माइनस थीटा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। सो मॉडुलस आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। सो व्हाट इज द पोलर फॉर्म? वन बाय रूट टू टाइम्स cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. And Euler form is nothing but 1 by root 2 into e power minus
आई पाई बाय 4। सो यहां तक नोट कर लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये ओके बेटा, आगे जा सकते हैं। नोट कर लिया सब लोग? सर, मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट था इसी टॉपिक से। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर, जेड इज इक्वल्स टू साइन 6π/5 प्लस आपका, एक सेकंड, डीपीपी का क्वेश्चन है कि या कुछ और क्वेश्चन है? डीपीपी का क्वेश्चन है सर। तो कौन से नंबर बोल दीजिए, मैं, मेरे पास है डीपीपी। हाँ सर, बता रहा सर, डीपीपी 3 का क्वेश्चन 5 का थर्ड नंबर। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का, ओके ठीक, मैं कर लेता हूँ थर्ड नंबर। ओके बेटा देखिए, सो क्वेश्चन पूछ रहा है डीपीपी 3 का फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज बीइंग आस्क्ड। Okay, so z is equal to sin 6π/5 plus i times 1 plus, वो cos है बेटा, वही डाउट है क्या? वो cot नहीं है, मिसप्रिंट है, वो cos है। ठीक है, okay, फिर भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। So the question is find modulus and argument. Find modulus and argument. Okay, बेटा? So concept ये है कि if z is converted into this form, r times cos theta plus i sin theta, इस form में अगर मैं convert किया, then whatever is outside is the modulus, whatever is inside sin and cos is the argument. Okay. So अगर मैं इस complex number को अगर polar form में convert कर सकता हूँ, if I can do that, then after doing that, whatever comes outside is the modulus, whatever comes inside sine and cos is the argument. Okay. But जब आप पोलर फॉर्म देखते हैं, तीन चीज आप केयरफुली देखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज, ध्यान दे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एवर यू कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, एक बार आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप तीन चीज चेक करना है। यू हैव टू चेक थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज, आर शुड बी पॉजिटिव। क्यों, समझ आते हैं, आर पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? एनीबॉडी, आर पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ वी टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट।
हाँ, क्योंकि ये मॉडुलस है, सिंपली बिकॉज इट इज मॉडुलस. मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन विच इज पॉजिटिव. ठीक है. एंड सेकेंड इज कॉस और साइन के अंदर सेम एंगल होना चाहिए. सेम थीटा इनसाइड बोथ साइन एंड कॉस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन के अंदर पॉजिटिव एंगल है, कॉस के अंदर वही एंगल का नेगेटिव है. वैसा नहीं हो सकता है. साइन एंड कॉस के बीच में सेम अंदर सेम एंगल होना चाहिए. थर्ड इज द साइन इन बिटवीन शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन इन बिटवीन साइन एंड कॉस. सो दीज आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो गया तो देन दैट्स द फाइनल आंसर. सो आप देखिए, जो क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा नहीं है. सो मैं इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ. सो फर्स्ट देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज याद करने के लिए कोशिश करिए. फॉर्मूलाज जो मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, एक फॉर्मूला है मेरे पास. एंड वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, क्या होता है वन प्लस कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है या टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है. सो वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. सो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. सो जेड क्या हो जाएगा, साइन थीटा फॉर्म में है. सो टू साइन सिक्स पाई बाई टेन इंटू कॉस सिक्स पाई बाई टेन. ध्यान दे दीजिए, साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख लिया, प्लस आई के साथ वन प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर सिक्स पाई बाई टेन थीटा बाई टू. इसको बाई टू किया तो बाई टेन हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप शायद ऑब्वियस है मेरे तरफ से, क्योंकि आपको टू कॉमन ले सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं. सो टू कॉस सिक्स पाई बाई टेन इज नथिंग बट थ्री पाई बाई फाइव इंटू साइन थ्री पाई बाई फाइव प्लस आई कॉस थ्री पाई बाई फाइव. ओके, सो यहां तक क्लियर है. अब हम थोड़ा सा नजदीक आया, हमारा एम जो है टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म. वी आर लिटिल क्लोजर देन बिफोर, क्योंकि अब ये हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसा चाहिए, बट ये कॉस मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा चाहिए हमको, बट ये साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा जैसा है. सो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दे दीजिए, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ. कैसे कर सकते हैं, सिंपली बोलिए कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला तो पता है आपको. यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलास. सो कॉस थीटा को आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं. देखिए, धीरे धीरे करके आप अपना टारगेट तक पहुंचना चाहिए. सो टू कॉस थ्री पाई बाई फाइव मैं ऐसा छोड़ देता हूँ. सो साइन थ्री पाई बाई फाइव को मैं, देखिए साइन थ्री पाई बाई फाइव को मैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई फाइव लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो फाइव पाई माइनस सिक्स पाई, सो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टेन हो गया. सो साइन थ्री पाई बाई फाइव इज सेम एज कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टेन प्लस. सिमिलरली कॉस थ्री पाई बाई फाइव को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई फाइव, दैट इज साइन ऑफ
माइनस पाई बाय टेन. ओके अब काम हो गया मेरा. सो व्हाट इज द मॉड्यूलस, बोल सकते हैं ऋतिक मॉड्यूलस कितना है? जो बाहर बचा है वो मॉड्यूलस है, जो अंदर साइन एंड कॉस के अंदर जो सेम एंगल बचा है दैट इज द आर्ग्यूमेंट. सो बीच में प्लस भी काम कर रहे. सो ऋतिक कुछ बोल सकते हैं बेटा, समझ में आया? यस सर. सो व्हाट इज द मॉड्यूलस? मॉड्यूलस सर 2 cos 3 pi by 5. एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट सर? आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 10. देखिए सो ये रिपोर्ट किया तो गलत हो जाएगा. हाँ एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ ऋतिक. हाँ ओके म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ध्यान दे दीजिए बेटा, अगर आप लिखते हैं मॉडुलस 2 cos 3 पाई बाय 5 वो गलत हो जाएगा. ध्यान दे दीजिए, क्योंकि एक बार आप फाइनल आंसर लेके आने के बाद तीन चीज चेक करना है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? बाहर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. कितने लोग को लग रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस नंबर इज पॉजिटिव? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा? एनीबॉडी? क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में है 3 पाई बाय 5? सेकंड क्वाड्रेंट है ना बेटा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 3 पाई बाय 6 का मतलब है पाई बाय 2. 3 पाई बाय 5 इज मोर देन पाई बाय 2 है ना. 3 पाई बाय 5 पाई बाय 2 से ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? 3 पाई बाय 5 इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सो ये बाहर जो नंबर है वो नेगेटिव है, ध्यान दे दीजिए. तो वी हैव नॉट एट रीच्ड आवर टारगेट, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है. सो मैं क्या करता हूँ, इसको ये तो नेगेटिव सो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एंड अंदर वाला नंबर्स को भी एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. माइनस कॉस माइनस पाई बाय 10 माइनस आई साइन माइनस पाई बाय 10. ओके इफेक्टली बाहर और अंदर दो बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? सो अब बाहर वाला पॉजिटिव हो गया, माइनस 2 cos 3 पाई बाय 5 इज पॉजिटिव. सो दिस इज द मॉडुलस. बट अब अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ये माइनस को मैं अंदर भेजना चाहिए. आई वॉन्ट टू सेंड दिस माइनस इनसाइड. सो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ. देखिए साइन से भी माइनस अंदर भेजना है, कॉस को भी अंदर माइनस भेजना है. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा जो है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है, दोनों का आंसर माइनस साइन थीटा है. सॉरी माइनस कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा, राइट? क्योंकि पाई प्लस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा. समझ में आ रहे? देखिए ये इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूलास पहले से आना चाहिए आगे जाने से पहले. सो माइनस जो है कॉस के अंदर भी जाना पड़ेगा, साइन के अंदर भी जाना पड़ेगा, बट दोनों के अंदर एंगल्स सेम होना चाहिए. सो ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिससे दोनों के अंदर माइनस चला जाएगा. सो वन ऑफ द फॉर्मूला इज, अगर कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. सो मैं क्या करता हूँ, माइनस 2 कॉस 3 पाई बाय 5 इंटू कॉस माइनस पाई बाय 10 को कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस पाई बाय 10 दैट इज पाई माइनस पाई बाय 10. ये थीटा है, पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन, यहाँ भी पाई प्लस माइनस पाई बाय 10 दैट इज पाई माइनस पाई बाय. So the last step is minus 2 cos 3 pi by 5 times cos of 9 pi by 10 plus I sin 9 pi by 10. अब आपको सही आंसर आ गया.
यहाँ चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव है, यस और नो? 2 cos 3 pi by 5 इज नेगेटिव, एक माइनस एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव हो गया। इसके बाद साइन एंड कॉस के अंदर नंबर्स जो है वो दोनों सेम है, ओके, एंड बीच में प्लस साइन। सो व्हाट इज द मॉड्यूलस? इज नथिंग बट माइनस 2 cos 3 pi by 5. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? 9 pi by 10. सो ये क्लियर है सबको या फिर एक्सप्लेन करना है? बस चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर जो थर्ड लास्ट स्टेप है उसमें कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस पाई बाई टेन लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस पाई बाई टेन और साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो प्लस आई साइन पाई बाई टेन, तो ये भी तो ऊपर के तीन जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये आराम से देखिए, कॉस, देखिए ये माइनस कॉस के अंदर जाएगा तो क्या होगा? एक बार आराम से सोचिए, वो नहीं कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो अंदर भेज के ये प्लस कर सकता हूँ, बट ये माइनस कॉस के अंदर नहीं भेज सकता क्योंकि कॉस माइनस पाई बाय टेन तो कॉस पाई बाय टेन से बराबर हो जाएगा ना। कॉस माइनस पाई बाय टेन भी कॉस पाई बाय टेन है। सो माइनस कॉस पाई बाय टेन होगा माइनस कॉस पाई बाय टेन। अब ये माइनस अंदर नहीं जाएगा ना कॉस के अंदर, तो आपको माइनस कॉस पाई बाय टेन प्लस आई साइन पाई बाय टेन आ जाएगा। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। अच्छा ठीक, समझ आ रहा है? हाँ सर। इसलिए बहुत केयरफुली आप अच्छे से फॉर्मूलास यूज करके कौन सा प्लस को मैनेज करना है एग्जैक्टली वही फॉर्मूलास यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो पूछिए। और कुछ डाउट है बेटा किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके देख रहा हूँ। करेंगे बेटा, ये नोट कर लीजिए। सब लोग नोट कर लिया या और कोई नोट कर रहे हैं? ये निकाल रहा हूं बेटा, अगर सब लोग का हो गया तो। सो देखिए डीपीपी का 9th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डीपीपी 3 का 9th क्वेश्चन। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ द फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए जेड इज गिवन एज 6 + 8i। Find a complex number which is 60 degrees anti-clockwise to Z and having modulus 10. Find a complex number which is 120 degrees clockwise to Z and having modulus 5. Complex number which is 90 degrees counterclockwise to Z and having modulus 1. देखिए बेटा, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम के कॉन्सेप्ट आएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हो गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो नेक्स्ट आएगा। ओके? ओके सर।
ठीक है, एक काम करेंगे, अगर ये आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ठीक ठाक समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स. आप तीन कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है. ठीक है, सो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा आपको. सो जब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, यू नीड टू यूज सम फॉर्मूलास. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम कॉन्जुगेट्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे. देखिए, कॉन्जुगेट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा. एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट इज एक्स माइनस आई वाई, राइट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब एक्स माइनस आई वाई का फिर कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस आई वाई आना चाहिए, राइट? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जेड बार का होल बार इज जेड अगेन. एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को दो बार बार किया तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. सेकंड, जेड वन प्लस होल बार इज नथिंग बट जेड वन बार प्लस आर माइनस जेड टू बार. बार कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. क्या है? बार कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. ये कॉन्सेप्ट आप देखिए. सो व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक जेड वन प्लस जेड टू बार, आप उसको मतलब जेड वन बार प्लस जेड टू बार है, उसको आप जेड वन प्लस जेड टू होल बार लिख सकते हैं. And the same is with minus. Z1 into Z2 whole bar can be written as Z1 bar into Z2 bar. Multiplication में भी आप bar को distribute कर सकते हैं. And fourth, Z1 by Z2 whole bar can be written as Z1 bar by Z2 bar. ठीक है, सबका derivations आप कर सकते हैं. डेरिवेशन में क्या करना है? सिंपली जेड वन को एक्स प्लस आई वाई मानना है, जेड टू को जेड वन को एक्स वन प्लस आई वाई वन मानना है, जेड टू को एक्स टू प्लस आई वाई टू मान लीजिए. राइट हैंड साइड फाइंड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लीजिए, दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो सेम आएगा. मेहनत वाला काम है, देर इज नथिंग इंट्यूटिव अबाउट नथिंग, मतलब इंटेलिजेंट इन दिस प्रूफ. आप जस्ट एक्स वन प्लस आई वाई वन ले लीजिए, एक्स टू प्लस आई वाई टू ले लीजिए, राइट हैंड साइड फाइंड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लीजिए, सेम आंसर आएगा. सो दीज आर डिफरेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार, अगर जेड और उतना कॉन्जुगेट जेड बार को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट समथिंग कॉल्ड मॉड जेड होल स्क्वायर. ध्यान दे दीजिए, जेड वन जेड इंटू जेड बार, एक एक्स प्लस आई वाई, दूसरा एक्स माइनस आई वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, विच इज मॉड जेड होल स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं बॉक्स कर रहा हूँ. एंड इसी का सब प्रॉपर्टी है, इफ मॉड जेड इज इक्वल टू वन, अगर गलती से मॉड जेड वन हो गया, दिस इंप्लाइज जेड जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? वन होगा.
दिस इंप्लाइज जेड बार इज नथिंग बट 1 बाय जेड. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा आपको. अगर mod z is equal to 1 दिया तो then z bar will be equal to 1 by z. Clear है? Seventh property. Z plus z bar क्या होगा? Z plus z bar. कोई बोल सकते हैं? एक तो x plus i y है, दूसरा x minus i y. दोनों को add किया तो क्या आएगा? 2x हो जाएगा, which is 2 times real part of z. And z minus z bar is 2i times imaginary part of z. क्योंकि एक तो x plus i y है, minus of x minus i y किया तो x x cancel हो जाएगा, you get 2i y. So y is called the imaginary part. So 2i times imaginary part of z. Ninth property. Z plus z bar is equal to 0 implies what? कभी कभी कुछ questions में आपको starting में एक condition मिलता है. Z is a complex number such that z plus z bar equal to 0. इसका मतलब क्या है? Z plus z bar equal to 0 है तो what is your conclusion? इसका मतलब 2 times real part of z is 0. Effective real part of z is 0. That means z is purely imaginary. Real part 0 hai to such complex numbers are called purely imaginary. So z minus z bar is equal to 0 implies z is purely real. Ye by implies bhi bol sakte hain. Iska matlab ye hua to ye hoga, ye hua to ye hoga. So these are the different properties of conjugates of complex numbers. Sara note kar lijiye acche se aur yaad bhi karna hai. So you have to note these down and remember all these properties. Note kar lijiye. Agar note ho gaya to bar aap चैट में लिख लीजिए, पर नोट कर लिया तो शायनदीप विश्वास. यस सर, नोटेड कंप्लीटेड. हाँ गुड, नोटेड. हाँ गुड. और जो नोट किया एक बार अपने से पढ़ लीजिए बेटा, आपको ये याद होना चाहिए सारा प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या आएगा कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज के बाद? मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज. Properties of modulus this time. So first, mod z equal to 0 implies z is equal to 0. देखिए मॉडुलस ऑफ जेड अगर जीरो है तो जेड जीरो होना चाहिए. मॉड जेड इक्वल टू वन है तो जेड वन होने का जरूरत नहीं है. मॉड जेड इज इक्वल टू पॉइंट वन है तो जेड पॉइंट वन होने का जरूरत नहीं है. बट मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज जेड शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड जेड जीरो का मतलब क्या है? ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो जीरो है, इसका मतलब वो ओरिजिन होना ही पड़ेगा. अगर मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो के अलावा कुछ और है, मॉडुलस ऑफ जेड इज वन, का मतलब
ऑरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस में है, इसका मतलब ये सर्कल में कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। ये समझ में आ रहा क्या नहीं? सर्कल में कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। बट मॉडुलस ऑफ जेड अगर जीरो है तो देन जेड हैज टू बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? सेकंड, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू काम करते हैं? नहीं करते हैं। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखिए मॉड जेड का मतलब है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड? मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, राइट? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से जीरो डिस्टेंस में है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए। बट मैं ये बोल रहा हूं दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर नंबर्स अदर देन जीरो। अगर मॉड जेड इक्वल टू वन है, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज वन, बहुत सारा पॉइंट्स आएगा ना, यू गेट मेनी पॉइंट्स। ऐसा जरूरत नहीं कि जेड वन ही होना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट जो है एग्जैक्टली वन है, दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली वन, बट मॉड जेड इज इक्वल टू वन नीड नॉट इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू वन। और भी बहुत कुछ नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आ रहे कि नहीं? पूजा यादव, पूजा यादव समझ में आ रहे? गुड। देखिए मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू होने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा जरूरत नहीं होता है। इसका मतलब मॉड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसा आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्लस माइनस में। क्लियर है? बट जेड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। This modulus of z1 z2 is equal to mod z1 into mod z2 हो जाएगा, and modulus of z1 by z2 जो है mod z1 by mod z2 हो जाएगा। पहले मैं सारे properties लिखता हूँ, next slowly as we build up our concepts let us try to make sense of all these properties. अभी के लिए ये properties जो है formulas जैसा समझने के लिए कोशिश करिए, इसका reasoning जो है बाद में आते रहेगा आपको। So modulus of z1 z2 is mod z1 into mod z2. ये formula जो है आप और आगे भी कर सकते हैं, modulus of z1 z2 z3 is mod z1 into mod z2 into mod z3. जितना भी है आप कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z पावर n क्या होगा? z पावर n का मतलब z इनटू z इनटू z इनटू z इनटू z, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड z का पावर n। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को n टाइम्स पावर करके इसके बाद मॉड ले लीजिए, और पहला ही मॉड लेके एक नंबर निकाल दीजिए, नंबर को पावर n कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। मॉडुलस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं। नोट कर लीजिए। सो ये दोनों जो है मॉड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू, मॉडुलस ऑफ जेड वन बाई जेड टू इज मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू। नोट कर लीजिए।
ये समझ में आए तो हम आगे जा सकते हैं। Lastly, properties of arguments. इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। So argument of Z1 into Z2, जब दो complex numbers multiply करके इसके बाद argument लेते हैं। How is it related to individual arguments? Argument of Z1 into Z2 is argument of Z1प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, ये फॉर्मूला है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। दीज टू आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। Argument of Z1 into Z2 is argument of Z1 plus argument of Z2. Similarly, argument of Z1 by Z2 is argument of Z1 minus argument of Z2. Okay. And third, argument of Z bar is equal to argument of Z bar is nothing but minus of argument of Z. Argument of 1 by z is also equal to minus argument of z. Okay. अब हम आगे जाने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फॉर्मूलास आर वर्किंग। देखिए, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बात कर रहे हैं, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इजियर इन पोलर एंड ऑयलर फॉर्म्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है अलजेब्रिक फॉर्म में ईजी है, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में रियल पार्ट्स अलग है, इमेजिनरी पार्ट्स अलग है। सो रियल पार्ट्स ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट आप अलजेब्रिक फॉर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जैसा करना है, सो चार मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा आपको। रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल। बट ध्यान दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन, if the first complex number is r1 into e power i theta 1, so मान लीजिए आपका first complex number है r1 into e power i theta 1, इसका modulus r1 है, argument theta 1 है। एक और complex number z2 ले लीजिए, r2 into e power i theta 2, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 into z2, so when you multiply these two, हाँ कौन है बेटा? सर अमन सर। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए बेटा। हो गया था सर मेरा। बोलिए बेटा। सर कुछ नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ठीक, कनेक्ट हो गया ना? हाँ गुड। यस सर। ठीक है, so if the first complex number has modulus r1 and argument theta 1, second complex number is r2 and argument is theta 2. जब ये दोनों multiply करते हैं, simply क्या हो जाएगा? r1 into r2, दोनों तो numbers है, दोनों numbers multiply हो जाएगा, these two are exponents, so i times theta 1 plus theta 2 हो रहा है ना। loss of exponents क्या बोलते हैं? अगर base same है तो the powers will get added।
अब ध्यान से देखा तो दिस इज ऑल्सो इन ऑयलर फॉर्म, बाहर एक नंबर है, so ये मॉडुलस हो जाएगा, e पावर i के साथ एक नंबर है, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, सो मॉडुलस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गया, एड हो गया, सो व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2 जो है mod z1 into mod z2, the modulus get multiplied, the modulus get multiplied, and argument of z1 into z2 क्या होगा, the arguments get added, ये समझ में आ रहे, so what happens when you divide z1 by z2, जब करते हैं आप ये दोनों numbers है, so r1 by r2 हो जाएगा, e power i theta 1 by e power i theta 2, e power i times theta 1 minus theta 2 हो रहे, so जब आप divide कर रहे हैं, modulus क्या हो रहे, divide हो रहे, जैसा ये formula है, and arguments क्या हो रहे, एक से एक subtract हो रहे, like this formula, so can you make sense of these formulas, ये समझ में आ रहे क्या नहीं, and argument of 1 by z, इसको मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल सकता हूँ ना फॉर्मूला के हिसाब से, आर्ग्यूमेंट ऑफ वन क्या है, वन का मतलब रियल एक्सिस के ऊपर वन, उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, जीरो है, सो जीरो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्लियर, so do you make sense of all these formulas, so ye thoda sa boring part hai but this is the part which helps you solve many problems, jab aap high level problems pe jaate hain so pura formula based hota hai solving, so sara formulas aapko acha sa pata hona chahiye, so ye bhi note kar lijiye, agar note kiya to hum aage जाएंगे, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके हैंड रेस कर सकते हैं अगर नोट हो गया तो, गुड, और बाकी लोग नोट कर, जो नोट किया वो पढ़ते रहिए बेटा, आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि एक बार देख लिया मैंने सब कुछ याद हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होना चाहिए, गुड, अगर ये नोट हो गया एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर एंड विल गो फॉरवर्ड, ओके, रूट एट प्लस आई पावर 50 इज इक्वल टू 3 पावर 49 टाइम्स ए प्लस आई बी, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर रूट एट प्लस आई होल पावर 50 if it is equal to 3 power 49 times a plus ib, then a square plus b square kitna hai, so hum isme kya formula apply karenge,
दोनों तरफ मैं मॉडुलस अप्लाई करता हूं, दोनों तरफ मैं मॉडुलस अप्लाई कर रहा हूं, इफ दीस टू आर सेम मॉडुलस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस एंड मॉडुलस ऑफ z पावर n इज इक्वल टू मॉड z पावर n, है ना? दिस इज अ फार्मूला दैट आई हैव. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म मॉडुलस ऑफ z पावर n. सो इसको मैं मॉड ऑफ z पावर n लिख सकता हूं, इज इक्वल टू. अब मॉडुलस ऑफ k टाइम z क्या होगा? मैं ये फार्मूला आपको लिखवाया नहीं हूं, बट आप बोल सकते हैं अगर z जो है ओरिजिन से कुछ दूरी में है तो 2z कितना दूरी में होगा? 2 टाइम्स 3z विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 टाइम्स. सो kz विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ k टाइम्स. सो मॉडुलस ऑफ kz इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z. चाहिए तो k को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर complex numbers. So modulus of kz is mod k into mod z. So modulus of k, ये तो real number है ना, इसको और आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है. So this can be written as this is k. So modulus of 3 power 49 into modulus of a plus ib. So root 8 plus i का mod कितना होता है? Root of root 8 का whole square plus 1 square. Is equal to modulus of 3 power 49, तो 3 power 49 ही है क्योंकि there's a positive number, into root of a square plus b square. This is 3. So 3 power 50 is equal to 3 power 49 times root of a square plus b square. Cancel किया तो root of a square plus b square is equal to 3, which implies a square plus b square is equal to 9. तो देखिए वर्किंग समझ में आ रही है कि नहीं. ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं. इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड बाय जेड माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, शो दैट जेड इज प्योरली रियल. Show that z is purely real. देखिए question. Z is equal to x plus i y. W is 1 minus i z by z minus 1. Modulus of z, modulus of w is equal to 1. Show that z is purely real. इसका मतलब y equal to 0 प्रूफ करना है, right? Okay. So let us start doing this. So z is x plus i y. So 1 minus iz is nothing but 1 minus i times x plus
आई पे दैट इज इक्वल टू वन माइनस आई एक्स प्लस वाई हो गया. ठीक है, माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो प्लस वाई हो गया. तो वन प्लस वाई माइनस आई एक्स एंड जेड माइनस वन क्या है, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन विच इज एक्स माइनस वन प्लस आई वाई हो जाएगा. ओके, एक्स माइनस वन प्लस आई वाई हो जाएगा. सो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, इस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ वन माइनस आई जेड बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन. बट मॉडुलस ऑफ समथिंग बाय समथिंग, मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल ओवर डिविजन. सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ वन माइनस आई जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, which implies modulus of 1 minus iz is equal to modulus of z minus 1, which implies modulus of 1 minus iz is nothing but this. 1 plus y minus ix is equal to modulus of x minus 1 plus iy. So modulus ka formula kya hai, root of iska square plus iska square. तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर तो कर सकता हूं. सो दिस इंप्लाइज इसका मॉड जेड होल स्क्वायर इज 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दोनों तरफ सिंप्लीफाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन वन भी कैंसिल हो गया. सो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती किया हूँ, ढूंढिए. कहा मेरा गलती हो गया, एक्चुअली वाई इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए. वन माइनस आई जेड मेरा भी यही आया, ऐसा आया था क्या? तो शायद मेरा भी सही है, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा क्वेश्चन में. ठीक है, शायद कंडीशन मुझे लग रहा है कि सर मेरा भी ये है. सर मैंने दूसरे मेथड से किया, मेरा सही आया. कैसे सही, मतलब y इक्वल टू जीरो आ गया? हाँ. कौन सा मेथड है बेटा? सर मॉड w इज इक्वल टू वन है, इसलिए हम w को मॉड के अंदर बिठा दिए, मतलब w का वैल्यू मॉड के अंदर बिठा दिए. फिर z minus i, मतलब 1 minus iz is equal to z minus i. z minus i किया था ना आपने? वही है, ये 1 को प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 के प्लेस में i होना चाहिए तब आंसर आ जाएगा. हाँ. तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये आपका जो DPP में जो 13th क्वेश्चन है, यहाँ 1 minus iz by z minus i होना चाहिए, 1 के प्लेस में i होना चाहिए. अगर मान लीजिए 1 के प्लेस में i है, तो यहाँ z माइनस i होगा, यहाँ i है. सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस i टाइम्स y माइनस 1 हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपको. ओके, सो ये करेक्शन कर लीजिए आप. सो DPP 2 का 13th क्वेश्चन is not z minus 1, it is z minus i. Okay.
सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, नोट किया? सी आप अपने से करना है, करेक्शन करने के बाद जो वर्किंग है अपने से कर लीजिए। Find multiplicative inverse of root 5 plus 3i. Multiplicative inverse क्या होता है बेटा? Simply जो आप real numbers में किया है लगभग वही है। Multiplicative inverse of x is 1 by x. Right? So multiplicative inverse of z, a complex number z is simply 1 by z. So मैं लिखता हूँ multiplicative inverse of root 5 plus 3i is simply 1 by root 5 plus 3i. Okay? Concept क्या है? Multiplicative inverse of z is nothing but 1 by z. एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड। दोनों फॉर्मूलास याद रख लीजिए। सो यहां छोड़ भी सकते या आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन करके आगे लेके जा सकते हैं। सो 5 प्लस 9 इज 14, सो 1 बाय 14 टाइम्स रूट 5 माइनस 3 है। 1 by 14 times root 5 minus 3i is the answer. So this is the multiplicative inverse of z. So 1 by z, which is equal to 1 by z into z bar by z bar, which is z bar by mod z ka whole square. So this is the multiplicative inverse. So multiplicative inverse of z का formula क्या है? z bar by mod z का whole square. आपका multiple choice question में ऐसा question आ सकते हैं. Multiplicative inverse of z is z bar by mod z whole square. Clear? Next question, 1 plus I times Z is equal to 1 minus I times Z bar. Show that Z is equal to minus I times Z bar. देखिए, एक question कर सकते हैं. So 1 plus I times Z is equal to 1 minus I times Z bar. Show that z is equal to minus I z bar. So आप कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? क्योंकि effectively आपसे पूछ रहे z by z bar minus I प्रूफ करने का. तो यहाँ भी आप z by z bar निकाल सकते हैं ना theoretically. So from the given equation, z by z bar क्या होते हैं? Z by Z bar is 1 minus I by 1 plus I. 1 minus I by 1 plus I. So 1 minus I by 1 plus I को आप क्या करिएगा? 1 minus I से ऊपर नीचे multiply करिएगा. 1 plus I square 1 plus I square minus 2I by 1 square plus 1 square. 1 plus I square cancel ho rahe. So minus 2i by 2, which is equal to minus I. So z by z bar is minus I. This implies z is equal to minus I z bar.
hence proved. देखिए बेटे कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशंस. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशंस. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में आप अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सो ऑन. तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में ऐसे ऑपरेशंस करते हैं कुछ ना कुछ आंसर आएगा. सो द आंसर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हाउ इज द पोजिशन ऑफ द आंसर रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन ऑर्गन प्लेन. So this concept is called geometrical interpretation of complex number operations. For example, देखिए आपके पास दो complex number है, z1 है, z2 है. मान लीजिए z1 यहाँ है, मान लीजिए z2 यहाँ है. Okay. Now we have added these two complex numbers. You have added these two complex numbers. कुछ ना कुछ आंसर आएगा. वो आंसर भी कहीं ना कहीं organ plane में point से represent होगा. So how can you get that point geometrically using these two positions? So मान लीजिए z1 ये origin है. This is my complex number z1. This is my complex number z2. So z1 is x1 comma y1. Z2 is x2 comma y2. इसका मतलब मेरा z1 जो है x1 plus iy1, z2 is x2 plus iy2. सबको पता है दोनों को जब ऐड करते हैं रियल पार्ट्स ऐड हो रहे, इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो रहे. As you can see, this is similar to vector addition. वेक्टर एडिशन में क्या है, आई कंपोनेंट सेपरेटली ऐड होगा, जे कंपोनेंट सेपरेटली ऐड होगा, राइट? सो जैसा आप वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी उसी ज्योमेट्री फॉलो होगा. सो ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग वेक्टर्स फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. So complex numbers also follow triangular or parallelogram law of addition. Iska matlab hai, when you add these two, the complex number you get is nothing but the other vertex of the parallelogram with the original sides as the parallel sides. So ye jo point hai, this is nothing but z1 plus z2. So this is the point which is represented by z1 plus z2. Samajh rahe?
तो z1 माइनस z2 क्या होते हैं? z1 माइनस z2 दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. सो z1 प्लस z2 इज नथिंग बट z1 प्लस माइनस z2, राइट? सो माइनस z2 का मतलब क्या है? अगर z2 x2 y2 है तो माइनस z2 इज नथिंग बट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट वाला है. जितना ऊपर है उतना ही नीचे. दिस पॉइंट इज माइनस z2. अब ये z1 और माइनस z2 को ऐड किया तो z1 माइनस z2 हो जाएगा. ये दोनों कैसे ऐड करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. सो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए. सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज z1 माइनस z2. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1 माइनस z2. क्लियर है? सो z1 माइनस z2 कहा होगा? सो ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग यू कैन बाय यूजिंग योर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2. यहां तक समझ में आ रहे? रमियानी बेटा यहाँ तक समझ में आ रहे? Yes, sir. चर्चिल समझ में आ रहे? Yes, sir. Okay. So z1 plus z2 करना है तो अब z1 एंड z2 को दो वेक्टर्स मान लीजिए. पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट्स z1 प्लस z2. z1 माइनस z2 इज नथिंग बट z1 प्लस माइनस z2. अब z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 में स्पेसिफिकली z1 माइनस z2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली z1 माइनस z2 को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए अभी तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस मैं दिखाया था, बट z1 माइनस z2 के बारे में दो और पॉइंट्स आपको याद रखना है. वो पॉइंट समझा के आज के लिए मैं ख़त्म करता हूँ. सो वो दोनों पॉइंट्स क्या है? देखिए this ray represents or this point represents z1 minus z2, right? इसका मतलब इसका length जो है, what is modulus of z1 minus z2? अगर इस point को मैं कुछ नाम देता हूँ PQ, this point is R, this point is S, okay? Now modulus of z1 minus z2 is nothing but OS. डायरेक्शन ऑफ z1 माइनस z2 इज अलोंग OS बार. ये दो चीज क्लियर है? ये इसका लेंथ है, ये इसका डायरेक्शन है. बट आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करके आप सोचिए, this is parallel to this. अगर z2 से z1 join किया तो जो line आएगा, can you prove that these two are parallel and these two are equal? Prove कर सकता है क्या? Can you prove that these two are parallel and equal? So ये आपका काम है. थोड़ा सा आप 10th class geometry, क्योंकि सारा बहुत सारे parallel lines दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है? आप ये जो फिगर जो है, ये अंदर वाला फिगर जो है, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता है तो द ऑपोजिट साइड्स विल ऑटोमेटिकली बी पैरेलल एंड इक्वल, राइट? सो आपका काम है बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्शन यू हैव टू शो दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम. कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इजी है. ये तो पैरेललोग्राम है, सो दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर.
ये नीचे भी पैरेललोग्राम है, सो दिस एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, समझ रहे? सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, एंड इसका लेंथ z2 है, इतना ही मैं पीछे एक्सटेंड किया, ये भी z2 है, इसका भी लेंथ z2 है, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, इसका भी लेंथ z2 ही होगा, सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो बिकॉज इज अ पैरेललोग्राम दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इसका मतलब है, देखिए मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये फर्स्ट पॉइंट है जो याद रखने वाला पॉइंट है, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ओ एस जो है इट इज एग्जैक्टली सेम एज पी क्यू, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, एक जेड वन है एक जेड टू, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है वो ही मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है. Second thing you need to understand is direction of z1 minus z2 is along a ray joining z2 to z1. पीछे से आगे देखिए ये वाला direction is same as this direction. z2 से z1 जाने वाला जो vector है उसका डायरेक्शन एंड z1 माइनस z2 का डायरेक्शन सेम होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग z2 टू z1. ठीक है, z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट तो ये है, z1 माइनस z2 जो है ये वाला वेक्टर है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस आर्ग्यूमेंट इज सेम एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग 2 टू z1. ये वेक्टर को आप एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड दिस वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंड. ओके, सो इस वेक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं, this is same as this argument. So argument of z1 minus z2 is same as the argument of a vector going from z2 to z1. So ये दो points जो है अगर आप को याद हो गया तो यहाँ से start करके हम अगला class शुरू करेंगे. So अगर कुछ समझ में नहीं आया तो Now is the time to ask. किसी को भी कुछ डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं. मैं ज्यादा कुछ पढ़ाए नहीं हूँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, जस्ट आपको ये बोला हूँ वॉट डज जेड वन माइनस जेड टू रिप्रेजेंट. मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू आप जब इंग्लिश में पढ़ना है आप ऐसा पढ़ना है कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. अगर कोई भी क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज समथिंग दिया, आप इंग्लिश में कैसे पढ़िएगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 इज सो मच. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 का बात हो रहा है, इट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग z2 टू z1. तो देखिए यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में जो रोटेशन के बारे में मैं डिस्कस जो मेंशन किया था वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा आपको. सो यहाँ तक क्लियर है, नोट करके वी कैन स्टॉप दिस सेशन आफ्टर नोटिंग दिस डाउन. Thank you, sir.